शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हमारा अगला प्रश्न है, एक्चुअली में हमारे दर्शकों का प्रश्न है ये कि ज्योतिष में ग्रहों के रंग और धातुओं का क्या महत्व होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का रंग जो है हमारी कुंडली के द्वारा एक जो ग्रहों का निर्माण हुआ है और उसका जो विश्लेषण हुआ है, हर ग्रह को एक अपना रंग दिया गया है। और वो जो ग्रह की बात करें तो हमारे 7 ग्रह हैं, ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी 7 चक्र हैं। और हमने जो डिटेल में ग्रह 9 है ना, मैं बताता हूँ। 7 एक्चुअली ग्रह है जो हमारे शास्त्र के हिसाब से ज्योतिष में माने गए हैं, और जो 2 ग्रह जो एडिशनल है वो राहु केतु है। तो इस तरह से 9 ग्रह है। राहु केतु हमारे छाया ग्रह है, उसको ग्रह की तुलना में नहीं किया गया है क्योंकि उसकी विश्लेषण जो है ज्योतिष के अंदर अलग से दिया गया है कि भाई जो अगर राहु जहां बैठा है उसके अधिपति जो होता है उसके जैसा ही फल देगा। तो ये बात वही आ गई कि भाई उसका कोई भी एक छाया ग्रह की तरह, बट उसका इफेक्ट सबसे बड़ी ज्यादा हमारी कुंडली में होता है आजकल, और उसकी अभी तुलनाएं और उसकी गणनाएं हम करते हैं। तो 7 ग्रह जो है उसके कलर्स जो है वो हम हमारे बॉडी के अंदर भी, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो चक्र आते हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, तो उस चक्र के कलर भी उसको मैच करते हैं। और वो जो हमारे गोचर के अंदर जो हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रह है वो भी हमारे साथ में कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, तो जो अगर ब्रह्मांड में जो है वो हमारे अंदर है तो उसका तालमेल बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो हम कलर के उपयोग से हम अपनी थेरेपी कर सकते हैं, एक उपाय के तौर पर हम कर सकते हैं। और वो कलर को जो भी हम एस्ट्रोलॉजर में या शास्त्र के हिसाब से हमने जिस भी ग्रह के कलर को हमने जो स्टोन या धातु से कनेक्ट किया है उसका उपाय आप करते हो तो 100% आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा का प्रतीक होता है। सूर्य का जो कलर है वो ऑरेंज कलर माना जाता है, और उसके बेस पे हम अगर स्टोन की बात करें तो रूबी की बात करते हैं। रूबी जो लगभग रेड या ऑरेंज के कलर में आता है, और वो स्टोन की तरह, जेम स्टोन की तरह हम ले सकते हैं उसको। और उसकी धातु की अगर बात करें तो उसकी कौन सी धातु है, तो तांबा या कॉपर जो है वो उसकी धातु है। तो अगर आप स्टोन पहनो या तो आप धातु को ग्रहण करो, वो आपकी बॉडी को टच करता है, बॉडी का जो कनेक्शन है वो आपके चक्रों के साथ जाता है, और चक्रों से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा से आपका सारा खेल जो है वो आपको कनेक्ट करता है। सी हमारे अंदर जो भी चीज है हम वो चीजों को अगर जागृत करते हैं तो हम अपने आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो हमें करनी होती है। तो ये चक्रों का भी बहुत महत्व होता है हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद सर, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।